सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। ये हरिद्वार की क्लिप है कीर्तन की। अभी तो मैं हल्द्वानी में हूँ, मतलब वॉइस दे रही हूँ, और यहाँ पे कीर्तन में गई हूँ मैं, पड़ोस में। भाभी लोगों ने बुलाया था कीर्तन में, भाभी के घर में थे तो यहाँ पे सब लोग कीर्तन में आए थे, और मैं मिलने के लिए गई थी थोड़ी देर, बस 5 मिनट, क्योंकि हमारी ट्रेन थी हरिद्वार से हल्द्वानी के लिए। तो मेरी सास और देवरानी ने बोला थोड़ी देर जाया आओ करके, तो मैं 5 मिनट के लिए गई, और सबसे मुलाकात करके ना हम लोग हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हरिद्वार से। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा यूवी चाचू की गाड़ी दिख रहा है, क्योंकि देवर पहुँचाने आ रहे थे हमको। तो हरिद्वार देखिए, महादेव के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, महादेव को प्रणाम बोलते हुए मत्था टेकते हुए हम लोगों ने हरिद्वार से सफ़र कंटिन्यू किया हल्द्वानी की ओर। तो 4 बजे निकले थे हम घर से, देवर देवरानी के घर से, ये देवर पहुँचाने आ रहे मेरे। और उसके बाद यहाँ पे यूवी से मैं बोल रही हूँ देख देख, और महादेव के साथ हम लोग, मतलब अच्छा लग रही है ना ये वाली वीडियो। तो यहाँ पे देखिए ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमने वेट किया। हम पहुँच गए थे यहाँ पे 4:45 बजे करीब, ऐसे पहुँच गए थे स्टेशन में, 4 बजे घर से निकले थे। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर ट्रेन का वेट किया, ट्रेन आती है यहाँ पर 5:15 बजे हमारे, और यहाँ पे देखिए भीड़ भी है काफ़ी। तो 5:15 बजे की ट्रेन थी हमारी, 5:30 बजे चली, हम बैठ गए ट्रेन में। और यहाँ पे यूवी से बोली थोड़ी देर इधर को देखना, तो यूवी ना काफ़ी खुश था ट्रेन में बैठने के बाद। तो देवर पहुंचा के चले गए थे घर को वापस, और हमने बाय बोला। और ये देखिए ये हरिद्वार ही है, अभी स्टार्ट हुई थी ट्रेन, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे। अब ये कौन सी जगह है इतना तो मुझे नहीं पता है, मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको, और थोड़ी देर में ना अंधेरा हो जाता है, ये दिखा रही हूँ ट्रेन से बाहर का व्यू। यहाँ पे ट्रेन में बैठने के बाद, थोड़ा दूर आगे चलने के बाद, यहाँ पे मैंने अपना और यूवी का वीडियो बनाया है ट्रेन में, और यूवी तो इतना खुश था ना। पहुंच गए हम सफ़र कंटिन्यू करते हुए हल्द्वानी स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, और ये हमको लेने आए हुए थे रात में। तो 11:15 बजे हम स्टेशन पहुंच गए थे, और 11:30 बजे ना हम अपने घर पहुंच गए थे, और बहुत भीड़ थी स्टेशन में। तो ये है नेक्स्ट डे का मेरा प्लान प्रणाम, घर स्वागत में है आपका पहुंचने के मेरे बाद। चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे। तो शाम के 5:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग की, 5:30 या 6 कुछ ऐसी बज गया होगा, तो इस समय से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करी। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना रखा है। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी, अपने घर, अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ, यानी कि हरिद्वार से। तो हरिद्वार से हम आ गए थे बुधवार को यूवी में, और ये लोग तो पहले आ गए थे, आयुष मेरे हस्बैंड लोग, ये लोग पहले आ गए थे, और मैं और यूवी बुधवार को आए, सामारी ट्रेन से आए हैं। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना रखा है, तो हरिद्वार में जो जितना ब्लॉग बना रखा है उसको सब इसी में ऐड करूंगी, घर को आते टाइम का, हल्द्वानी आते टाइम का। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज है नवमी, कल है दशहरा, मिलते हैं आपको बाद में। खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, व्रत है तो 6 बज गए हैं, 6 बजे से हल्की फुल्की तैयारी कर लेती हूँ, खाना तो बाद में खाएंगे, मिलते हैं आपको बाद में। और युवराज से मिलाते हैं, कैसा लगा हरिद्वार में? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए मिलते हैं आपको बाद में। दूध पीना है? ठीक है, मैं यूवी को दूध बना के देती हूँ, साथ ही साथ खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, दोनों बच्चों को देती हूँ दूध। यहाँ पे आयुष कर रहा है दिया डेकोरेट, और यूवी को दूध दे दिया, ये आयुष का दूध है, आयुष दूध पी। अब मैं पूछूंगी आयुष को कैसा लगा, कैसा लगा आयुष, कैसा लगा हमारे बिना है? अच्छा लगा भैया और मेरे बिना? फिर जाऊं मैं, जाऊं पता नहीं मेरा। दूध पी ले, भी ठंडा हो रहा है तुम। तो यहाँ पर मैं आयुष से बार बार चिढ़ा रही, मतलब मजाक कर रही, कैसा लग रहा है, कैसे लग रहा है। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ना आयुष की बहुत ज्यादा हरिद्वार में बहुत ज्यादा याद आ रही थी, उससे मैं मजाक कर रही, कैसा लग रहा था मेरे बिना, कैसा लग रहा था, मतलब चिढ़ा रही। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से घर, तो इसमें मैं बना रही हूँ चाय, चाय बना लेती हूँ। और हाँ, ये वाला ब्लॉग ना बहुत छोटा सा रहने वाला है, बहुत बड़ा सा नहीं। पहले मैं सोच रही थी ना बनाऊ ना बनाऊ ना बनाऊ, क्योंकि सुबह से मेरे बहुत सारे काम है, सोफे के कवर चेंज किए, बेडशीट चेंज करेगी सुबह से, और भी काम हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो फिर कितने ही काम हो जाते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी की बच्चों की छुट्टी रहती है ना, नवमी और दशहरे की छुट्टी थी। तो साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ व्रत में पहले लौकी की सब्जी बनाऊ सोच रही थी, फिर सोचा कि नहीं लौकी नहीं बनाते, आलू टमाटर की बनाते, चटपटी मिर्च वगैरह डाल के बनाते। तो अदरक भी डाला है, अदरक इतना सा छुटका बचा है, इसी को डाल देते हैं फिलहाल, तो खत्म हो रहा है अदरक।
को बाद में चाय पीने के बाद। थोड़ा सा अदरक है उसको घिस रही है इसी में। चाय पत्ती डाल दी है, अभी पियेंगे गुड़ वाली चाय क्योंकि चीनी भी नहीं थी, क्योंकि हरिद्वार में, हरिद्वार थी तो इनको सामान वामान का ज्यादा कुछ था नहीं कि क्या है क्या नहीं है, चीनी थोड़ी बहुत बची हुई थी। तो मैं बुधवार को आ गई थी और ये व्लॉग बनना मेरा शुक्रवार को, यानी कि नवमी के दिन बुधवार बृहस्पत को भी थोड़ी बहुत घर के काम किए मैंने, शुक्रवार हो गया घर के काम, तो रोज ही होते हैं फिलहाल। हरिद्वार से आके जितना सामान जैसे नहीं था, जो जो नहीं हो रहा वो मैंने डायरेक्ट लिस्ट बना ली है सामान की, तो सामान मंगा लिया। और यहाँ पे मेरी चाय, बात करते करते चाय भी पक चुकी है, मेरी बातों से नहीं, चाय पक चुकी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज है संडे, सुबह का टाइम हो गया, सारा काम हो गया है, नाश्ता वगैरह आज हमने बहुत टाइम बाद समोसे खाए हैं। तो अभी मैंने जाना है करवा चौथ की तैयारी करने, यानी कि साड़ी है ना पीको कॉल करवाने जाते हैं, और ब्लाउज के लिए मैंने बात करी है, भैया बोले थे कि एक घंटे बात करना क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे, मतलब सीजन आ गया ना, शादी वाला भी सीजन आ रहा है, तो इस वजह से भीड़ रहती है उनके पास। अगर फ्री रहे तो 19 तारीख तक मैंने अपना ब्लाउज मांगा है, बताऊंगा बोले थे, बाद में कॉल करना बोले थे, तो मैं बोली ठीक है। तो अभी जाते हैं पहले साड़ी पीको फॉल के लिए, साड़ी वगैरह दे देते हैं। तो आयुष में जा रहे हैं साड़ी देने पीको फॉल करवाने के लिए, उसको लॉक ही नहीं लग रहा है, कॉलर नहीं है, वो टी शर्ट में कॉलर नहीं है, यूवी को बुखार आ रहा है। कैसे चला रहा था एक बार दिखा दो, गेट में रोक देना। यहाँ साड़ी देने पीको फॉल के लिए साड़ी देते हैं, और आपको ना दो तीन बार वीडियो बनाई, बीच में सब गड़बड़ आ गई और एक बार तो ना कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। फिलहाल तो पहुँच गए इनके घर, साड़ी देती हूँ, उसके बाद ब्लाउज के लिए फिर टेलर भैया से बात करूँगी, और बड़ी तेज धूप लगी हुई है। आ गए हम लोग, ये मैं दिखाती हूँ आपको, इनका पार्क है, तो दोस्तों यहाँ पे साड़ी पीको फॉल देने के बाद मैं आ गई हूँ घर, मैं और आयुष गए थे घर आ गए। तो ये व्लॉग इतना ही रखती हूँ, ये व्लॉग था मेरा हरिद्वार से वापस हल्द्वानी आने का, तो बुधवार को आ गई थी मैं हल्द्वानी, और ये शुक्रवार का व्लॉग है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय।